कड़ खबर, बेखौफ सुबह, बेबाक अंदाज। मीडिया को रोटी सेकना है और भारत के प्रधानमंत्री तो माशाल्लाह उसमें तेल डालने का काम करते हैं। केरल में एक पिक्चर रिलीज हुई और उसके ऊपर प्रधानमंत्री कह रहे हैं भाइयों बहनों पिक्चर देखो। अरे देश के प्रधानमंत्री हैं आप या तो पिक्चर के प्रमोटर हैं आप? मानता हूं कि भारत के प्रधानमंत्री की तरह कोई एक्टिंग नहीं कर सकता। अखिलेश भी कोशिश कर रहे हैं मगर फ्लॉप हो रहे हैं। वो कांग्रेस के नेता जो पूरा देश फिरे वो भी कोशिश किए मगर इनकी एक्टिंग के सामने सब फ्लॉप हो रहे हैं। मैं तो समझता हूं कि दुनिया के जितने फिल्म स्टार हैं वो खुश होते हैं कि भाई वो इसको यहीं रखो, यहां आ गया तो हमारी दुकान बंद। अब भारत के प्रधानमंत्री रहकर बोलते हैं पिक्चर देखो। भारत के प्रधानमंत्री आप नहीं जानते क्या, मैं आपको हिस्ट्री तारीख बता रहा हूं। हिटलर ने 70 लाख यहूदियों को खत्म किया था। 70 लाख यहूदियों को हिटलर ने खत्म किया था। कैसे खत्म किया था? इसने अपने दौर में कहा था कि यहूदियों के खिलाफ गाली गलौज करो, हेट स्पीच दो, कि ये जर्मनी से मोहब्बत नहीं रखते, ये आर्यन रेस से नहीं है, ये जर्मनी के गद्दार हैं। फिर हिटलर ने क्या किया, पिक्चर बनाना शुरू किया। 1940 में हिटलर ने पहली पिक्चर बनाई थी यहूदियों के खिलाफ। उसका जर्मन लैंग्वेज से अगर ट्रांसलेशन तर्जुमा करेंगे तो उसका पिक्चर का नाम था द इटर्नल जू। उसमें क्या दिखाया गया, ये यहूदी जर्मनी के गद्दार हैं, ये जर्मनी के अंदर घर के दुश्मन हैं। देश के प्रधानमंत्री, जर्मनी की तारीख आपके सामने है, जर्मनी की तारीख आपके सामने है, उसको आप नजर रखो। आप जिस देश को, ये बहुत बड़ा देश है, इस देश की खूबसूरती इसका कल्चर है, इसका मजहब है, इसकी जबाने हैं, वो पिक्चर को दिखा रहे। अरे पिक्चर बनाने वाला कितना कमतर कमजर्फ है। पहले कहा कि 32,000 महिला आईसीएस में चले गई, जब कोर्ट में केस गया तो कहा कि सिर्फ तीन। अरे वो गई तो तुम क्या पिक्चर बनाकर पूरे बुरखा पोश खवातीन को बदनाम करोगे? तुम क्या पूरे समुदाय को बदनाम करोगे? और भारत में जितने मुसलमानों के मजहबी तंजीमें हैं उन सब ने आईसिस के खिलाफ फतवा दिया, कहा ये दहशतगर्द है, आतंकवादी है। तुम वो नहीं दिखाते? और किसी ने हमसे कहा कि उस पिक्चर में ओवैसी तुम्हारी तकरीर भी दिखाई गई, तो हम मानते हैं कि हमारी तकरीर को सुने बगैर हमारे दुश्मन का भी पेट में दर्द नहीं कम होता। इनको लगता है कि जब तक ओवैसी का भाषण नहीं सुनेंगे हम में मर्दानगी नहीं पैदा होगी। तो सुनो, सच्चाई पर मुमन्नी है, झूठ पर हम नहीं बोलते, लंबी लंबी नहीं छोड़ते। भाइयों बहनों 15 लाख आ जाएगा, भाइयों बहनों हर साल 2 करोड़ नौकरियां मिलेंगी, अच्छे दिन आ जाएंगे। तो ये पिक्चर बना रहे हैं। अरे महंगाई पर पिक्चर बनाओ, किसान को फर्टिलाइजर नहीं मिल रहा है, नहीं बनाएंगे। अरे पिक्चर बनाओ कि घर में गरीब के पास पैसे नहीं है, सेविंग्स खत्म हो रही है। भारत में 20% गरीब और गरीब हुआ है, कितना, 50%। अगर एक गरीब 100 रुपये कमा रहा था आज 50 रुपये कमा रहा, और अगर कोई डेवलपमेंट 100 रुपये कमा रहा था आज 140 रुपये कमा रहा है। ये नरेंद्र मोदी का सबका साथ सबका विश्वास, ये गरीबों से मोहब्बत बीजेपी की है कि गरीब जो 100 रुपये कमा रहा था आज 50 रुपये कमा रहा है। सबसे गरीब जो डेवलपमेंट 100 रुपये कमा रहा था 140 रुपये कमा रहा है। तो भारत के गरीबों को फैसला करना है, भारत के मजलूमों को फैसला करना है।